और कैसे लौंडे लपाटे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रेन है वो कितने ड्यूरेशन के लिए आपको यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द हार्शेस्ट स्टेरॉयड्स। बहुत सारे लड़के आते हैं, पता नहीं उनके जाहिल कोच उनको ऐसा क्या बता देते हैं कि ट्रेन हेक्सा ही उनको यूज़ करना चाहिए या ट्रेन एनन्थेट। लेकिन अगर आप ट्रेन का जो लॉन्गर स्टेर यूज़ करोगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा खतरनाक है, अगर आप पहला बार यूज़ करने जा रहे हो। जबकि जो शॉर्टेज एस्टर है लाइक ट्रेन एसिडेट, ये आपके बॉडी में जल्दी असर दिखाता है और जल्दी बॉडी को आप लीव कर देता है। इसका हाफ लाइफ 24 से 48 घंटा है। हाफ लाइफ मतलब कि 50% उस मेडिसिन का असर हाफ हो जाता है आपके बॉडी में। सो अगर कोई पहला बार यूज़ करना चाहता है तो ट्रेन एसिडेट ही यूज़ करे, 75 mg एवरी अदर डे यूज़ करें, दैट इज़ इनफ। अगर कोई ट्रेन एनन्थेट यूज़ करना चाहता है तो 350 mg पर वीक यूज़ करें। और ट्रेन एनन्थेट नया बंदा तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेन यूज़ करने से आपको रात में इंसॉम्निया, पसीना होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, आप कुछ भी कर सकते हो इस एग्रेशन में। सो आपको ऐसा एस्टर चाहिए जो आपके बॉडी में जल्दी असर दिखाए और बॉडी को लीव करे। अगर ट्रेन एनन्थेट डालते हो तो हफ्तों तक आपका असर रहता है और ये आपको एग्रेशन आपका बढ़ाता जाता है, क्योंकि आप डोजेस लेते हो और हाफ लाइफ इसका ख़त्म नहीं होता है। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेन एसीटेट लो जब भी आप ट्रेन ले रहे हो। और हेक्सा, ओ माई गॉड, ये तो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट एस्टर है ट्रेन का। और मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, हेक्सा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो इंडिया में लगभग सभी ब्रांड अंडरडोज बनाते हैं या फेक होता है, ट्रेन होता है उसमें। सो जो शॉर्टेस्ट एस्टर है ट्रेन का वो यूज़ करो। आप इसको 6 से 8 वीक्स तक यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम उससे ज़्यादा यूज़ मत करना, क्योंकि ये आपके इमोशनली आपसे कुछ भी करवा सकता है, आपको रोला भी सकता है, एंड आप कुछ भी कर सकते हो उस वक्त। गुस्से में इंसॉम्निया होता है, एग्रेशन और डिप्रेशन भी होता है। सो दैट्स इट फ्रेंड, अगर आपको ट्रेन यूज़ करना है तो उसका आप शॉर्टेस्ट एस्टर यूज़ करो। आप ट्रेन मिक्स वगैरह मत यूज़ करना, क्योंकि इसमें ट्रेन एस, ट्रेन ई हेक्सा मिला होता है, अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग स्पाइक लेते हैं। ट्रेन एस जल्दी असर दिखा रहा है, ट्रेन ई। सो बेस्ट वे है ट्रेन एसीटेट अगर कोई बंदा पहला बार यूज़ करना जा रहा है। मैं पर्सनली कभी ट्रेन एनन्थेट से आगे नहीं बढ़ता हूँ, हेक्सा तो मैं कभी छूता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि ऐसे ही ट्रेन से हालत ख़राब होता है कि और इतना स्लोएस्ट कंपाउंड में हेक्सा डालूँ अपने बॉडी में। लेकिन कुछ कुछ जाहिल कोच, उन लोगों को एक नया वर्ड चाहिए, हेक्सा सुन लिया तो बस हेक्सा, साइपो सुन लिया तो बस साइपोनेट। पहले समझो इसमें चीज़ क्या है। हेक्सा डालोगे तो ये बहुत ज़्यादा स्लोएस्ट है, ये आपको टॉर्चर करता रहेगा, आपका हाफ लाइफ ख़त्म नहीं हो रहा, दूसरा डोज ले रहे हो, आपको कुछ भी करवा सकता है आपसे। सो हेक्सा आपको यूज़ नहीं करना है। एनन्थेट जा सकते हो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप 2-3 बार यूज़ कर चुके हो फिर यूज़ करना चाहते हो तो ट्रेन एसीटेट इज़ द वे टू गो। ये ट्रेन एसीटेट थोड़ा सेफ़ है, ऐसे ट्रेन तो सेफ है ही नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग को यूज़ करके अगर यूज़ करते हो तो ट्रेन एसीटेट थोड़ा सेफ़ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया कि मैंने ट्रेन को जब यूज़ किया तो मैंने क्या देखा है, मैंने लॉन्गर एस्टर से क्या साइड इफ़ेक्ट देखा है और शॉर्टेस्ट एस्टर से क्या साइड इफ़ेक्ट देखा है। और जो इसका मैक्सिमम साइकिल आप 6 से 8 वीक्स और ट्रेन एनन्थेट का आप साइकिल 8 से 9 वीक्स कर सकते हो, उसके बाद बंद करो। बिकॉज़ सम यूज़र्स ऐसे होते हैं जिनको मैंने 6-7 महीना ट्रेन के साइकिल पर देखा है, लेकिन वो सब कम्प्लीटली अनहेल्दी है, वो सब आप कभी मत करो। और 6 से 8 वीक्स ट्रेन का साइकिल मत चलाओ और शॉर्टेस्ट एस्टर पर जाओ जो आपके बॉडी को जल्दी लीव करता है और साइड इफ़ेक्ट कम होता है। सो दैट्स इट फ्रेंड, एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। जनरली सभी बॉडी बिल्डर्स नहीं करते, लेकिन वाट आई हैव लर्न्ड आई जस्ट शेयर विथ यू गाइस। सो दैट्स इट, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो रेड बटन निकल गया उसको भी टक 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 जरूर दबाना।